हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्रेसवे जॉब्स। इसरो जॉब्स 2019 बम्पर भर्ती आई है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और साइंटिस्ट और इंजीनियर की वैकेंसी है और इसमें जो है 327 टोटल पोस्ट है और इसमें जो है मतलब ये इसरो में हमको लगता है कि फर्स्ट टाइम जो है इतनी ज़्यादा वैकेंसी है। परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया के जितने लोग हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कितना पैसा लगता है और कितने तारीख से अप्लाई होगा और कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। तो ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, देखिए ये है आपका 03/3/2019 और आप इससे जो पहले वाला भरे थे वो 02/2019 था और देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर और आपका 15 अक्टूबर 2019। ये जो है बहुत ही ह्यूज वैकेंसी इसमें आई हुई है। इसमें जो आपको हम बता दें कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए है और इसकी वैकेंसी की हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला है आपका BE001 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 131 वैकेंसी है। इतना जो है हाई वैकेंसी कभी इसरो में हमने नहीं देखा, मगर आज जो है इतनी हाई वैकेंसी है। जिसमें जो है PWD कैंडिडेट के लिए टोटल 10 वैकेंसी है, जिसमें OH के 5 और VH का 1 और 4 है आपका HH वालों के लिए। और अगर बात करें हम BE002 मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल का भी बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 135, जिसमें आपका 7 PWD के लिए है, 1 OH है और जिसमें इन लेग्स और 3 AH और 2 आपका VH का है। तो ये आपका टोटल 7 वैकेंसी है। अब बात करें BE003 जो आपका साइंटिस्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए, उसमें 58 वैकेंसी है। ये भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें आपका टोटल 14 वैकेंसी PWD के लिए है। मतलब PWD का सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद तो आपका कंप्यूटर में है, जिसमें 4 OH का है, 2 आपका OH वन लेग वालों का है और 5 जो है VH और 3 HH वालों का लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग 008 का, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोनोमस बॉडी के लिए है। तो इसमें मात्र 3 वैकेंसी, इसमें कुछ खास वैकेंसी नहीं है और इसमें PWD की कोई वैकेंसी नहीं है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए इसमें जो है आपका 65% होना चाहिए आपका या 6.84 आपका CPI होना चाहिए 10 out of 10 में। तो इन दोनों में से जो भी हो, एग्रीगेट 65% मार्क्स हो या CGPA आपका 6.84 हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तब वन बाई वन जो है हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए आयु सीमा की बात कर लेते हैं, तो आयु सीमा जो है आपका 35 वर्ष जो है या आपका मैक्सिमम है 4/11/2019 से। और जो एक्स सर्विस मैन है PWD है उनको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट के हिसाब से। ऑनलाइन आपका जो है 15 अक्टूबर यानी कल से 4/11/2019, तो आप जो है इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसका अप्लाई जो है आपको इसरो वेबसाइट से करना पड़ेगा और इसका जो है 15 अक्टूबर से 4/11/2019 तक करना है। और जो है आपको ये फॉर्म जो है सिर्फ ऑनलाइन आपको करना है और इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसमें बहुत सिंपल है। और आगे अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। देखिए आपको जो है 100 रुपया देना है, जो जनरल कैंडिडेट हैं OBC कैंडिडेट हैं इनको 100 रुपया देना है और बाकी जो है देखिए पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। और अगर बात करें PWD का और SC ST का, इन लोगों का एक सर्विस मैन वाले की बात करें तो उनका जो है फ्री है। आप जो है आपके पास अगर स्टेट बैंक का या अदर बैंक का कोई भी कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड का भी ऑप्शन आता है, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए ऑल वोमेन शेड्यू SC ST एक्स सर्विस मैन EWS और PWD ये जो है एग्जेम्प्टेड है, इनको कोई पैसा नहीं देना है, इनको सिर्फ फॉर्म फिलअप कर देना है, इसका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। और आपको जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, सिर्फ सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है। अभी जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं करना है। देखिए इसके लिए जो है BE BTEC इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास एंड एग्रीगेट विथ मिनिमम 65% मार्क्स और CGPA 6.84 out of 10। कैंडिडेट्स हु मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल शॉर्ट लिस्टेड एंड अपियर इन द रिटन टेस्ट। आपका रिटन टेस्ट होगा और ये रिटन टेस्ट कब होगा, 12 जनवरी 2020 को होगा। और ये कहाँ कहाँ होगा, तो 12 सेंटर्स पर होंगे, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, ये सब आपका सेंटर है। जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर हो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो आपका जो है कैंडिडेट जो एडमिट कार्ड आपको जो है सेंड कर दिया जाएगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, आपको आपके मेल पे आ जाएगा। बाकी आप साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
इसमें 80 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि इक्वल मार्क्स होगा, और उसी के आपके स्कोर के हिसाब से आपको जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। उसमें जो है आपको इंटरव्यू में मिनिमम जो है 60% मार्क्स जो है आपका इंटरव्यू में आना चाहिए, मिनिमम ये है, तभी जाके आपको मेरिट लिस्ट में फाइनल किया जाएगा। अब वेतन की बात कर ले तो वेतन जो है आपका 10वें मैट्रिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 56,100 पर मंथ हुआ, और एडिशनल में आपका डीएड जो भी अलाउंस होता है, होम रेंट होता है, एचआरए, टीआरए, टीए, डीए सब आपको मिलेगा। तो ये जो है आपको पूरा जोड़ जाड़ के आपको हर चीज़ दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट का होता मिलता है। बाकी आपको जो है कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द पोस्ट अगेंस्ट ऑफ द डिसिप्लिन, जब आपको देखिए डिसिप्लिन बता दिया है कि आपको पोस्ट कोड B00103 लियाबल बाय द पोस्टेड ऑफ एनी ऑफ द सेंटर यूनिट्स ऑफ द इंडियन स्पेस इसरो, ठीक है, आल्सो लियाबल टू ट्रांसफर टू एनी सेंट्रल। अब जो अगर आपका होता है तो आपका जो है कहीं भी आपको जो है भेजा जा सकता है, किसी भी सेंटर पे आपका जॉब लगेगा, कहीं भी आपको जाना पड़ सकता है जहाँ पे आपको भेजा जाएगा। द आंसर की विल बी पब्लिश्ड ऑन द विस्रो वेबसाइट विद इन 3 working days। आपको 3 दिन के ही अंदर में आपका जो रिटन टेस्ट होगा 3 दिन के अंदर में आपका आंसर किया जाएगा, वहाँ से आप मिला सकते हैं। कैंडिडेट में रेज ऑब्जेक्शन, आपको ऑब्जेक्शन का भी मौका दिया जाएगा, और विद इन 5 days ऑफ पब्लिशिंग द आंसर की ऑफ द वेबसाइट ओनली थ्रू द लिंक एंड प्रोवाइडेड द रिटन टेस्ट एंड ऑब्जेक्शन इफ एनी रिसीव देयर आफ्टर एंड थ्रू एनी अदर मोड्स विल नॉट बी कंसिडर। आपको जो ऑब्जेक्शन लिंक दिया जाएगा वहीं से आपको ऑब्जेक्शन करना है, बाकी उसके लिए कोई अदर लिंक आपको नहीं दिया जाएगा, तो आप लोग जो है वहीं से ऑब्जेक्शन करेंगे। तो ये सारे प्रोसीजर आपने देख लिया, और आपको जो है इसी साइट से जाके आपको फॉर्म भरना है, यही आपका वेबसाइट है, वहीं पे आपका कल से जो है ये फॉर्म भरा जाएगा। तो हमारा वीडियो ये कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर नई अपडेट्स के लिए। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में।